ग्रेटर नोएडा रेलवे पुलिस ने ट्रेन में लूटपाट जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले शातिर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो रेलवे ट्रैक पर सिक्का रखकर ग्रीन सिग्नल को रेड सिग्नल कर ट्रेन रुकवा लेते थे और फिर हथियारों के बल पर ट्रेन के यात्रियों को आतंकित कर लूट की घटना को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने इनके पास से अवैध तमंचा, चाकू और सिक्का भी बरामद किया है, जिससे ये ट्रेन को रोका करते थे। साथ ही पुलिस के पास सीसीटीवी फुटेज भी है, जिनमें ये लोग रेलवे ट्रैक पर सिक्के का इस्तेमाल कर रही है। मामला ग्रेटर नोएडा का है, जहां रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रेन यात्रियों से मिल रही ट्रेन में लूटपाट शिकायतों के बाद जीआरपी और रेलवे पुलिस ने ट्रेन में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के दो शातिर सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। जब रेलवे के ट्रैक के बीच में ये एक सिक्का डालते थे, उसमें कनेक्टिविटी के द्वारा जो है वो ग्रीन सिग्नल रेड में कन्वर्ट हो जाता था और गाड़ी फिर ड्राइवर उसको रोक लेता था। दो तीन या पाँच मिनट से अधिक गाड़ी नहीं रुकती थी, उसी शॉर्ट ड्यूरेशन में ही अपना काम कर लेते थे। ये हमने गिरफ्तारी की है, जिसमें हमने वर्कआउट किया है। इसमें अभी चार लोगों का नाम आ रहा है, जिसमें दो को हमने गिरफ्तार कर लिया है। दो अभियुक्त जो है वो अंधेरे का लाभ उठा के भाग लिए। ग्रेटर नोएडा से प्रणव भारद्वाज की रिपोर्ट। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए नेशन वन के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।